हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एम एन नसीम और आज है संडे वीकेंड। और जैसे कि संडे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर संडे बिजी रहे तो मुझे बहुत पसंद है। तो आज संडे है और हम जा रहे हैं बगीचे, जो कि हमारा फैमिली बगीचा है। मतलब यूं ही प्लेस है जहाँ हम जाते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं और गेट टुगेदर होता है। मतलब मेरी फैमिली के बाकी मेरे चाचा वगैरह भी आते हैं, तो आज वहाँ संडे है तो जाना है, तो अच्छी बात है क्योंकि वीकेंड मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो वीकेंड मेरा अगर बिजी जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी वहाँ जा रही हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ और अपना डे स्पेंड करूँगी, और अच्छी बात है पूरा डे जल्दी स्पेंड हो जाए और फिर वर्किंग डे स्टार्ट हो। तो जाती हूँ और फिर देखते हैं क्या क्या करना है वहाँ पर। ये बोला तो सड़क नहीं है तो फिर निकल जाएगा ना, भटक पड़ेगा ना पड़ेगा, लेकिन जब बन जाएगा तब अभी साल भर से जलना पड़ेगा। जब तक नहीं बन रहा है ना तो गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगा, तो गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगा, तो गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगा। ये बोल तो बहुत एक साल से ज़्यादा मैं देखती हूँ। हाँ तो ये तो काफ़ी टाइम ट्रैफिक में खड़े रहने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि बनारस में बहुत ट्रैफिक रहता है। पहले संडे को ट्रैफिक नहीं होती थी, बट अब संडे के दिन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो तकरीबन एक घंटे से ज़्यादा ही हम ट्रैफिक में खड़े थे। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो मेरे पापा को कुछ काम था, तो पापा अपना रास्ते में उतर गए और उसके बाद मैंने कमान संभाली ड्राइविंग की। और उसके बाद मैं, मॉम और मेरी बहन, हम जा रहे थे अपने बगीचे, अपने फार्म हाउस, क्योंकि पापा को जाना नहीं था और मेरा भाई भी साथ गया नहीं था, तो हम जाने लगे। देन हम ये बगीचे पहुंच गए और बगीचे की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। मतलब पहले जो बगीचा था वो बहुत अच्छा था, यहाँ काफ़ी टाइप के पेड़ लगे हुए थे, अच्छे अच्छे पौधे थे, सब कुछ थे, लेकिन अभी जो यहाँ पर माली ले रहा है वो अच्छे से बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता। बस वो यूँ ही रह रहा है यहाँ पर जैसे उसको रहना है, और बगीचे की हालत उसने अच्छी नहीं रखी। मतलब उस गार्डनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, पहले काफ़ी गार्डनिंग थी, हम यहाँ पेड़ों पर चढ़ते थे, खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, काफ़ी कुछ खेलते भी थे, बट अब बिल्कुल भी जगह नहीं थी वहाँ चलने की भी। बट फिर भूख लगी थी क्योंकि काफ़ी लेट पहुँचे, तो हमने खाना खाया। खाने में बिरयानी थी एंड मीठे में खीर थी, क्योंकि पिकनिक थी तो सब घर से बना के लेके गए थे। तो उसके बाद जब हमने खाना पीना खा लिया और लेट पहुँचे भी थे, तो उसके बाद हम थोड़ा बाहर निकले टहलने के लिए, घूमने के लिए। बचपन में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि बनारस से ये जो हमारा फार्म हाउस है थोड़ी दूर पर है। मतलब बहुत गांव नहीं है लेकिन थोड़ी दूरी पर है, तो थोड़ा आउटर हो जाता है, लेकिन बचपन में यहाँ कुछ भी नहीं था। ये जो अभी घर और फ्लैट बिल्डिंग दिख रहे हैं कुछ नहीं थे, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पेड़ और ये सब खाली जंगल नज़र आता था। बट अब इतनी बड़े बड़े फ्लैट्स बन चुके हैं और लोग रहते हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और खेती अभी भी होती है, जैसे यहाँ पर एक खेती हो रही थी, लोगों ने अपने जो ज़मीनें हैं वहाँ पर सब्जियाँ लगाई हुई हैं, खेती करते हैं, रहते हैं, और फसल लोगों ने लगा रखी है। जो भी सीज़न होता है जिस फसल का, वो फसल यहाँ पर उगाते हैं। और ये तार लगा रखा है यहाँ पर, लिख भी रखा है कि डेंजर है क्योंकि इसमें करंट आता है। क्योंकि यहाँ जो लोग थे वो बता रहे थे कि रात के टाइम थोड़ा जंगली जानवर वगैरह भी आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए अपनी फसल को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर तार लगा रखा है जिसमें करंट होता है, और हल्का तार है, और उसका जो करंट है वो रात को ही, मतलब वो स्टार्ट करते हैं, मतलब उसको रात को जलाते हैं, दिन भर वो ऑफ रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया जो यहाँ रह रहे थे कि इससे दूर रहें। देन यहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने गाय वगैरह भी पाल रखी है, भैंस, एक्चुअली भैंस पाली हुई है और बकरी पाली हुई है, उसके अलावा भी उन्होंने कुछ पाला हुआ है, बता रहे थे कि यहाँ पानी में मेढक वगैरह भी आता है, वो भी उन्होंने पाल रखा है। और ये जो फसल उन्होंने लगाई हुई है, ये बता रहे थे धान की फसल है, क्योंकि जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं तो वो बता रहे थे कि वो हमारी फैमिली को काफ़ी पुराने टाइम से जानते हैं। और ये ट्यूबवेल भी है जहाँ से पानी निकलता है, और जो भी खेत है इनका वहाँ तक जाता है, पूरा इन्होंने सिस्टम बना रखा है। मुझे याद है मैं जब बचपन में आती थी तो ट्यूबवेल था, लेकिन वो थोड़ा और दूसरे टाइप का था और बहुत दूर लगता था क्योंकि हम छोटे थे। बट अब देखा कर तो और चीज़ें बहुत बहुत बदल गई हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत टाइम बाद आते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं लाइफ में तो इतना यहाँ आ नहीं पाते, बट क्योंकि चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जैसे बचपन में मैं देखती थी वहाँ से
अभी तक का जो सफ़र है बड़े होने तक का बहुत चेंज है, बहुत कुछ यहाँ बदल चुका है, बट फिर भी अच्छा लगता है जब भी हम यहाँ पर आते हैं। ये जितनी भी फसल है ये सब धान की फसल है और बिज़नेस पर्पज़ के लिए ही है इन लोगों के, और बाकी जो भी है ये लोग खेती करते हैं उससे अपना पैसा वैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर हम काफ़ी घूम रहे थे, काफ़ी वो नॉलेज बता रहे थे हमें, और ये एक लेडी बैठी हैं, वो घास से घास निकाली थी। मुझे नहीं पता कि घास का क्या काम होता है, और ये जो मैन है इन्हीं का एक्चुअली खेत वगैरह, ये हमें सारी डिटेल दे रहे थे, बता रहे थे अपने बारे में भी, काफ़ी पढ़ते हैं ये और पीसीएस जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके अलावा काफ़ी ये अपना डेवलपमेंट भी देखते हैं अपने खेत वगैरह की और पढ़ाई भी करते हैं। देन हम जब घूम फिर लिया हमने, वापस शाम हो गई थी, तो उसके बाद घर आने का टाइम हो गया था, तो उसके बाद मैं, मेरी मॉम और हम लोग घर के लिए निकले। वैसे भी सर्दियां आ गई हैं तो दिन काफ़ी छोटा हो गया है, हम ट्रैफिक के बाद काफ़ी लेट पहुंचे भी थे और उसके बाद जाने का भी टाइम जल्दी से हो गया, अगर बाहर कहीं जाओ तो फिर दिन का पता नहीं चलता, तो उसके बाद वापस हम घर आए। तो ये था मेरा आज का पूरा वीकेंड, मैं अपना बगीचे गई थी, सबके साथ मिली, घूमी फिरी और बहुत थक गई हूँ। मैं अभी घर आई हूँ और मॉम ने चाय बनाई है, वैसे तो चाय हम बाहर से पी के आए हैं, बट फिर भी चाय तो काफ़ी अच्छी लगती है सबको, तो मॉम ने बना ली, तो चाय मैं पीऊँगी और थक बहुत गई हूँ क्योंकि वैसे कोई काम तो नहीं किया, सिर्फ घूमे ही हैं, लेकिन घूमने में बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है। तो अब बस मैं रेस्ट करूँगी और पढ़ाई करूँगी और सो जाऊँगी। आई थिंक डिनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खा पी लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि अभी खाना पीना भी है, रात हो गई है। तो ये था मेरा पूरा दिन, पूरा वीकेंड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।